अस्सलाम वालेकुम भाई, होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप WooCommerce को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उसका बेसिक ओवरव्यू मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऑप्शंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखें, आपको वर्डप्रेस के अंदर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलता है। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सिंपल सर्च करना है WooCommerce। WooCommerce सर्च करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको ये प्लगइन नज़र आएगा। सिंपल आपने इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देना। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट इसको कर चुका हूँ, और यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमारे हमें देखने को मिलेंगे आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, WooCommerce और प्रोडक्ट्स, जैसे आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सिंपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, इसके ड्रॉप डाउन के अंदर और काफ़ी सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप होम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम एनालिटिक्स शो होंगे कि कितनी आपकी शॉप के ऊपर सेल्स हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको, कितने ऑर्डर्स आपने डिलीवर किए हैं, कोई इनबॉक्स आपको आया नहीं आया, कितने ऑर्डर्स जो हैं वो डिक्लाइन हुए, ये सारी स्टैट्स आपको नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे, जितने भी ऑर्डर प्लेस्ड होंगे यूज़र्स ने या बायर्स ने ऑर्डर प्लेस किए होंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कस्टमर, जितने भी लोगों ने आपकी शॉप से परचेजिंग की है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स अगर देखना चाह रहे हैं आप अपने ई कॉमर्स स्टोर की, कि आपके पास कितना स्टॉक रह गया, आप कितने कस्टमर हैं, आपने कितने ऑर्डर्स लिए हैं, स्पेसिफिक डेट से स्पेसिफिक डेट तक आपने कितने अर्निंग की है, कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, यहाँ पर आप बाय मंथ, बाय ईयर और दिस मंथ से सॉर्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे इन सारी चीज़ों के अबाउट, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेटस है। इस स्टेटस के अंदर आपको, अगर आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कोई भी इशू है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक्सटेंशन है, अगर WooCommerce की बहुत सारी एक्सटेंशन है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, जो कि आपके WooCommerce प्लगइन की फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हांस कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क आपको करने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो हमारे पास एक्सटेंशंस मौजूद हैं हर तरह की चीज़ों के लिए। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके अल्टरनेटिव्स भी देखेंगे आगे चल के, कि कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे जितने भी आपकी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे, और यहाँ पे उनके सारे डिटेल्स एंड स्टैट्स शो होंगे। अगर आप इस प्रोडक्ट को एडिट करना है और इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है तो यहाँ से सिंपल आप ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज बनानी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तो आप यहाँ से बना सकते हैं। टैग्स एंड ट्रिब्यूट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो ये है बेसिक सब ओवरव्यू इस WooCommerce के अबाउट। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिट हैं, और मैंने यहाँ पे वेबसाइट सेटअप की है वाया आस्ट्रा। ये आस्ट्रा का ही टेम्पलेट मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग है और बहुत ज़्यादा फास्ट लोडिंग है। तो अगर आपको भी ये वाला थीम अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप करवाना है, या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम डिज़ाइन सेटअप करवाना है, या कंप्लीटली ये वाला प्रीमियम थीम सेटअप करवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग बाय करें, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, और आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर विद लाइसेंस ये थीम एक्टिवेट इन इंस्टॉल एंड सेटअप करके दूँगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। तो आगे चल के हम देखेंगे कि इसके अंदर हम डिफरेंट टास्क इस तरह से कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ये सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करेंगे, कि आप इस सीरीज़ को देखने के बाद कंप्लीट मास्टर बन जाएंगे WooCommerce के, और तमाम चीज़ें चाहे वो कस्टम होंगी या किस तरह की होंगी आप वो कर पाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हाफिज़।